नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। आज तक न्यूज चैनल के मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना का कुछ देर पूर्व हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वे कोरोना वायरस से भी संक्रमित हुए थे। रोहित बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। लंबे समय से टीवी मीडिया का चेहरा रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले शो दंगल की एंकरिंग करते थे। पत्रकारिता जगत के लिए यह बेहद दुखद खबर है। हम विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज परिवार की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध भले लगा दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट से मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की अपील की है। चुनाव आयोग के मुताबिक अदालत की मौखिक टिप्पणियों पर जिस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है उससे चुनाव आयोग की छवि धूमिल हो रही है, उससे संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग से चुनाव आयोग की छवि को धक्का लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन बेड दवाओं आदि की पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी सरकार किसी नागरिक द्वारा सोशल मीडिया पर डाली जानकारी पर कार्रवाई नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और डीजीपी को आदेश देते हुए कहा है कि अगर अफवाह फैलाने के नाम पर कार्यवाही की तो अवमानना का मामला चलाएंगे। कोरोना मामले को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो टूक लहजे में सवाल किया है कि रेमडेसिविर जैसी दवाओं को कब उपलब्ध कराया जाएगा। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि राज्यों और केंद्र के बीच वैक्सीन की अलग अलग कीमत के पीछे क्या तर्क है और कोरोना को काबू करने के लिए केंद्र किन प्रतिबंधों, लॉकडाउन पर विचार कर रहा है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हमने देश के विभिन्न मामलों के विभिन्न मुद्दों की पहचान की है और हमारी सुनवाई का उद्देश्य राष्ट्रीय हित के मुद्दों की पहचान करना और संवाद की समीक्षा करना है। दिल्ली समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं। हर जगह हाहाकार है। लोगों का दुख देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए उन मरीजों की हिम्मत बढ़ाई जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, इलाज की कमी के चलते अपने प्रियजन खो रहे देशवासियों को मेरी संवेदनाएं। इस त्रासदी में आप अकेले नहीं है। देश के हर राज्य से प्रार्थना व सहानुभूति आपके साथ है। साथ है तो आस है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, आपने अक्सर ये कहावत तो सुनी होगी, लेकिन अब आपको इस पर यकीन हो जाएगा। 102 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दे दी है। बुजुर्ग महिला का नाम सुशीला पाठक है। वे कोरोना वायरस से संक्रमित थी, लेकिन वे कोरोना को मात देकर घर वापस आ गई है। कोरोना वायरस की बीमारी से जंग जीतने पर बुजुर्ग महिला ने कहा, वैक्सीन ले लो, ठीक हो जाएगा। मैं भी ठीक हो गई, भगवान आपको अच्छा रखेगा, वैक्सीन लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह रोक कार्गो फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा डीजीसीए की ओर से मंजूरी लेकर चलने वाली उड़ानों पर भी यह फैसला लागू नहीं होगा। आदेश में कहा गया है कि डीजीसीए की ओर से कुछ चुनिंदा रूट्स पर उड़ानों की अनुमति होगी। हालांकि इन उड़ानों को भी केस के मुताबिक ही छूट दी जाएगी और हर मामले पर अलग से विचार किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास वैक्सीन नहीं पहुंची है। इसके चलते हम अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। हम लगातार कंपनी के संपर्क में हैं। हमें उम्मीद है कि वैक्सीन कल या परसों तक आ जाएगी। कल या परसों पहले 3 लाख कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोज वैली समूह के कंपनियों के 304 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अटैच कर दिया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच में यह पाया गया था कि इस ग्रुप की कंपनियों ने विभिन्न फर्जी और काल्पनिक योजनाओं को चलाकर आम जनता से भारी मात्रा में धन इकट्ठा किया था। कंपनियों ने वापस भुगतान के झूठे वादे किए थे। कोविड के टेस्ट और इलाज के तरीके सुझा रहे याचिकाकर्ता की एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुरेश शाह नाम के याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी और उस पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया।
चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और याचिकाकर्ता के बीच की वार्तालाप बड़ी दिलचस्प रही। तो टॉप 10 के खबरों के साथ आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।